हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में रूस ऐप में एक न्यू गेम है जिसका नाम है गोल्फ हीरो। तो उसको आप कैसे खेल सकते हो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक बॉल मिल जाता है और आपके सामने तीन टारगेट रहता है। तो हर टारगेट के ऊपर एक फ्लैग दिखता है और उसके नीचे एक होल आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, उस बॉल को उस होल के अंदर घुसाना है। तो जितनी जल्दी आप बॉल को उस होल के अंदर घुसाओगे और जितने कम शॉट में आप बॉल को होल के अंदर घुसाओगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगी और तीन शॉट के बाद जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलेगी वही यहाँ पे गेम जीतेगी। और यहाँ पे जो तीन टारगेट होता है वो हर बार सेम नहीं होता है, दो तरीके का होता है। तो इसलिए मैंने दो गेम प्ले आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कैसे हर तरीके का टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, मतलब बॉल को होल के अंदर घुसाना है। अगर आप कैरम खेलना जानते हो या तो रूस ऐप में डाइस फुटबॉल खेलना जानते हो तो आप इस गेम को अच्छा से खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक गेम स्टार्ट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे आपको अच्छा से समझाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी तो पहले आपको ऐसे एक टारगेट मिल जाएगी, तो ऐसे एक आपको बॉल मिल जाएगी और ऐसे सामने आपको एक फ्लैग दिखेगी और उस फ्लैग जो है उसके नीचे यहाँ पे एक होल है। तो आपको क्या करना है, इस बॉल को पीछे तरफ टानना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो आपको अच्छा से टान के छोड़ना है ताकि बॉल जाके उस होल के अंदर घुस जाए। तो यहाँ पे अगर आप एक शॉट में बॉल को उस होल के अंदर घुसा पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हो एक शॉट में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेकेंड शॉट में अगर घुसा लेते हो तो भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फास्ट यहाँ पे शॉट में घुसा नहीं पाते। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी शॉट मार दिया। तो यहाँ पे बॉल को आप जितना पीछे तक खींच के छोड़ोगे तो बॉल उतना दूर जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत यहाँ पे पीछे खींच के छोड़ना नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा अगर खींच के आप छोड़ोगे तो बॉल टारगेट से भी बहुत दूर चली जाएगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फास्ट में जो टारगेट मैंने दिखाया उसमें रेड तक आपको नहीं टरना है, उससे पहले छोड़ना है। और अगर आप सीधा छोड़ोगे तो फास्ट चांस में ही बॉल होल के अंदर घुस भी सकता है। और अगर एक चांस में आप नहीं घुसा पाते हो तो सेकेंड बार आपको थोड़ा टान के छाड़ना है, तो बॉल होल के अंदर घुस जाएगी, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे हर टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको एक टाइम मिलता है। जैसे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको 30 सेकंड मिलता है और सेकंड टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको 45 सेकंड मिलता है और उसके बाद थर्ड टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको एक मिनट मिलता है। उसके अंदर ही आपको टारगेट कंप्लीट करना है, नहीं करोगे तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए जो पॉइंट मिलता है वो नहीं मिलेगी। तो अभी चलते हैं यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट कैसा है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। सेकंड टारगेट मिलने के बाद आपको पहले यहाँ पे उंगलियों से ग्राउंड को थोड़ा राइट तरफ घुमाना है, तो यहाँ पे आपको टारगेट दिख जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत बॉल को उंगलियों से पीछे टालना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने फिट कर दिया, तो यहाँ पे ग्राउंड को आप घुरा सकते हो उंगलियों से। जैसे मैं यहाँ पे घुरा रहा हूँ तो आप ऐसे ही घुरा के फिट कर सकते हो। उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत टान के यहाँ पे छोड़ देना है और आपका सेकंड टारगेट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आएगी यहाँ पे थर्ड टारगेट। तो थर्ड टारगेट में टारगेट कहाँ है आपको यहाँ पे एरो से दिखाता है, लेकिन आपको एरो की तरफ देखना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने जो होल दिख रहा है उसके अंदर पहले आपको आपका बॉल को घुसाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बॉल को थोड़ा बहुत पीछे टान के यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी बॉल को आपको रेड तक नहीं टानना है, यहाँ पे येलो तक टान के ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ही चांस में यहाँ पे होल के अंदर घुसा दिया और बॉल यहाँ पे नीचे आ गया। जैसे नीचे आ जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तुरंत ग्राउंड को थोड़ा लेफ्ट तरफ घुमा देना है उंगलियों से। तो जैसे ही लेफ्ट तरफ घुमा दोगी तो यहाँ पे टारगेट आपको दिख जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉल को थोड़ा पीछे तरफ टन के बॉल को छोड़ देना है और टारगेट के पास आ जाएगी। और एक ही चांस में अगर आप घुसा पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं घुसा पाते हो फिर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टान के छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे टान के छोड़ दिया इसलिए बॉल के अंदर घुसा नहीं पाया। फिर से यहाँ पे घुसा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हो घुसा दिया और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन टारगेट का कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेरा जो ओपोनेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे अगर आपको दिखाता है तो आप समझ लो कि आपने जीत गया। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना है, यहाँ पे गेम को क्विट नहीं करना है, क्विट करोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो जैसे ही उसने गेम ख़त्म कर देगी यहाँ पे दिखाएगी कौन जीता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी उसने थर्ड टारगेट का कंप्लीट किया और यहाँ पे मैंने जीत गया, मेरा पॉइंट कितना ज़्यादा है उससे। तो चलिए और एक गेम आपको खेल के दिखाता हूँ, इसमें भी जो टारगेट मिलेगा, पहले जो गेम था उसमें जो टारगेट था उससे थोड़ा अलग है। तो ऐसे ही फास्ट टारगेट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे बॉल को रेड तरफ पूरा टान देना है। रेड से कम टानोगे तो यहाँ पे मिडिल में जो खाई है ना उसमें बॉल गिर जाएगी, आप जीत नहीं पाओगे। उसके बाद यहाँ पे तो जैसे ही बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो आपको क्या करना है, ग्राउंड को उंगलियों से थोड़ा राइट तरफ घुमा देना है। जैसे ही घुमा दोगे तो यहाँ पे टारगेट आपको दिख जाएगी। तो अभी आपको बॉल को थोड़ा बहुत पीछे टान के छोड़ देना है, यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आएगा यहाँ पे सेकेंड टारगेट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉल को पहले लेफ्ट तरफ थोड़ा बहुत मार देना है। तो जैसे ही बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, बॉल को यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ उसकी तरफ थोड़ा बहुत मार देना है।
उसके बनिया पे जिस तरफ आपको फ्लाग दिख रहा है उस तरफ बॉल को एकदम रेड तक टान के छोड़ देना है। जैसे बॉल यहाँ पे नीचे आ जाएगी तो आपको उंगलियों से घुमा फिरा के यहाँ पे देख लेना है, आपके आसपास ही टारगेट रहेगी। तो आपको थोड़ा बहुत बॉल को पीछे टान के फिर से छोड़ देना है, यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब सेकेंड टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया थर्ड टारगेट। इस टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसलिए आपको इसको अच्छा से देखना है, अच्छा से सीखना है। तो बॉल अभी जहाँ है वहाँ पे अगर रहता है तो अभी मैं जैसे दिखाऊंगा ऐसे ही आपको खेलना है, लेकिन अगर इस तरफ रहता है जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ कभी कभी ऐसा रहता है तो उसका उल्टा खेलना है, जैसे अभी मैं खेल रहा हूँ उसका उल्टा खेलना है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी इस टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी आपको यहाँ पे राइट साइड में जो चट्टान दिख रहा है उसके अंदर ही बॉल को मारना है। तो कैसे मारोगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं जैसे मार रहा हूँ और रेड करके ही मारना है, और जैसे यहाँ पे मार दोगे यहाँ पे उस चट्टान में जाके बॉल रह जाएगी, और उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड में जो चट्टान उसमें आपका बॉल को मारना है, जिसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने मार दिया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में चट्टान है उसके अंदर ही बॉल को मारना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे ही फ्लैग है, मतलब टारगेट वहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो बॉल आके यहाँ पे टारगेट के अंदर घुस गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस टारगेट को आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने टारगेट अभी कंप्लीट कर दिया और मेरा जो ओपोनेंट है वो अभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे मैं जीत जाऊँगा। तो ऐसे ही आप रूस ऐप में इस गेम को खेल सकते हो, बहुत ही मज़ेदार गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अगर आप अच्छा से इस वीडियो को देखा है तो आप जरूर इस गेम को अच्छा से खेल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो इतनी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपका कुछ भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।